तो फ्रेंड, जैसा आपको पता है कि अपने पीएफ अकाउंट को एक्सेस करने के लिए आपके पास यूएएन नंबर और पासवर्ड होना चाहिए। अगर आपके पास यूएएन नंबर और पासवर्ड नहीं है तो आप अपना पीएफ अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि अगर आपको अपना यूएएन नंबर नहीं पता है तो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं और कैसे अपने यूएएन को एक्टिव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका प्रोसेस बताने से पहले, अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो मैं हूँ प्रवेश कुमार, आप देख रहे हैं राइट सिंपल। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यूएएन लॉगिन के पोर्टल पर आ गया हूँ। मैंने इसका लिंक अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। डायरेक्टली वहाँ से आप इस पोर्टल पर आ जाएंगे। जैसे आप इस पोर्टल पर आएंगे तो आपको फ्रेंड्स कुछ नहीं करना, आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आप फ्रेंड्स देख रहे हैं चौथे नंबर पे नो योर यूएएन, तो ये नो योर यूएएन के ऑप्शन पे आपको फ्रेंड्स क्लिक कर देना है। इसे आप फ्रेंड्स क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा डिस्प्ले होकर आ जाएगा। यहाँ पे आपको फ्रेंड्स अपना मोबाइल नंबर फिलअप करना होगा और यहाँ पे कैप्चर कोड को फिलअप करना होगा। चलिए फ्रेंड्स, मैं इसको फिलअप कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर कैप्चर कोड को फिलअप कर दिया। उसके बाद इस रिक्वेस्ट ओटीपी के ऑप्शन पे आपको फ्रेंड्स क्लिक कर देना है। जैसे आप फ्रेंड्स क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ी देर वेट कर लेना है। जो हमारा OTP है वो सक्सेसफुली हो चुका है फ्रेंड्स, ये हमारा OTP नंबर आ चुका है। तो यहाँ पे मैं अपना OTP नंबर डालना होगा और फिर से दोबारा से आपको यही कैप्चर कोड को यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद वैलिडेट OTP के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अपना OTP नंबर डाल लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अपना OTP नंबर भी डाल दिया, उसके बाद यहाँ पे कैप्चर कोड भी डाल दिया। उसके बाद आपको इस वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप फ्रेंड्स क्लिक करेंगे तो आपका जो OTP नंबर वो सक्सेसफुल हो चुका है। जैसे आप फ्रेंड्स इस पर ओके कर देंगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसा डिस्प्ले होकर आ जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको अपना पूरा नाम फिलअप करना होगा, उसके बाद यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, उसके बाद यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डाल सकते हैं या फिर आप पिन कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करके पिन कार्ड नंबर भी डाल सकते हैं। अगर आपको मेंबर आईडी आपको पता है तो इस मेंबर आईडी पे क्लिक करके यहाँ पे अपना मेंबर आईडी भी डाल सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैं इसको फिलअप कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और आधार कार्ड नंबर डाल दिया, उसके बाद एक कैप्चर कोड भी डाल दिया है। उसके बाद फ्रेंड्स इस ब्लू टिक पे यहाँ पे लिखा हुआ शो माई यूएएन, प्लीज शो माई यूएएन के ऑप्शन पे आपको फ्रेंड्स क्लिक कर देना है। जैसे आप फ्रेंड्स क्लिक करेंगे आपको थोड़ी देर वेट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आपका यूएएन नंबर होगा यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ से आप इस नंबर को, यूएएन नंबर को कॉपी करके आप सुरक्षित रख सकते हैं। आप अपना यूएएन नंबर को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आपको फिर से वही पे बैक आ जाना है। बैक होने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे भी नीचे आएंगे, यहाँ पे आप फ्रेंड्स तीसरे ऑप्शन पे यहाँ पे एक्टिवेट यूएएन का ऑप्शन मिल जाएगा। इस एक्टिवेट यूएएन के ऑप्शन पे फ्रेंड्स क्लिक कर देना है। जैसे आप फ्रेंड्स क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा नया पोर्टल ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स अपना यूएएन नंबर, आधार कार्ड नंबर और आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर या कैप्चर कोड को फिलअप करना होगा। चलिए फ्रेंड्स, इसको मैं फिलअप कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें फिलअप कर दिया है। फिलअप करने के बाद फ्रेंड्स इस बॉक्स में आपको फ्रेंड्स टिक कर देना है। टिक करने के बाद फ्रेंड्स इस गेट ऑथराइजेशन पिन के ऑप्शन पे फ्रेंड्स क्लिक कर देना है। तो मैं फ्रेंड्स यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो जो हमारा यूएएन नंबर है वो ऑलरेडी एक्टिवेट है, इसलिए यहाँ पे हमारा मैं यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ। जैसे आप अपना यहाँ पे गेट ऑथराइजेशन के पिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP नंबर जाएगा। उस OTP नंबर को यहाँ पे फिलअप करके आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपका जो यूएएन नंबर है वो एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे आप फ्रेंड्स एक्टिवेट होगा तो आपके रजिस्टर्ड ही मोबाइल नंबर पर एक SMS जाएगा, जिसमें आपका यूएएन नंबर और आपका एक पासवर्ड जाएगा। वहां से उस पासवर्ड को, यूएएन नंबर को लेकर अपना पीएफ अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपना यूएएन नंबर को फाइंड कर सकते हैं और अपने यूएएन को भी एक्टिव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।